तो चलिए पोटैटो नगेट्स की रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आलू को बॉईल करना है। हम अभी मैश किए हुए 2 बाउल लेंगे आलू के। इसको आप एक बड़े बाउल में डाल लीजिए। 2 बड़े बाउल्स लेने हैं। उसके बाद इसके अंदर हमें ब्रेड क्रम्स डालने हैं। 2 बड़े चम्मच ब्रेड क्रम्स के डालिए। ब्रेड क्रम्स बनाना बड़ा ही इजी है। आपको ब्रेड्स को लेकर उनको ग्राइंड करना है। आप चाहें तो ब्रेड्स को पहले हल्का आंच पर सेक सकते हैं, उसके बाद आप उनको ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं मिक्सर में। तो 2 बड़े चम्मच डालने के बाद हमें इसके अंदर थोड़ा कॉर्नफ्लोर डालना है। कॉर्नफ्लोर का 1 बड़ा चम्मच डाल लीजिए इसमें। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद 1 थोड़ा चम्मच और डाल लीजिए। और अब इसके अंदर हमें सीजनिंग डालनी है। सबसे पहले हम इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो 1 बड़ा चम्मच चिली फ्लेक्स का डाल सकते हैं, नहीं तो आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। उसके बाद हमें ओरिगैनो सीजनिंग डालनी है। ओरिगैनो अकेला अगर आपके पास ओरिगैनो मार्केट में मिलता है तो वो डाल लीजिए, नहीं तो हमने डोमिनोज की ओरिगैनो यूज़ की है। इसके बाद स्वाद अनुसार इसमें नमक ऐड कीजिए। नमक ऐड करने के बाद अब इस मिक्सचर को आप अच्छे से रला लीजिए। अब हमारा मटेरियल बनके तैयार हो चुका है। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे फ्रिज के अंदर 45 मिनट से 1 घंटे के लिए रखना है। याद रखिएगा कि इसको फ्रीजर में नहीं रखना, फ्रिज में रखना है। 1/2 घंटे से 1 घंटे तक आप इसको रख सकते हैं। तो चलिए अब हम फाइनल स्टेप की ओर चलते हैं। 1 घंटा हमने अपने मिक्सचर को फ्रिज में रखा था, अभी निकाल लिया है। अब इसको हम नगेट्स की शेप देंगे। इसके लिए हमें 2 और चीजों की आवश्यकता है। 1 तो ब्रेड क्रम्स चाहिए और 1 हमें कॉर्नफ्लोर का पानी डाल, थोड़ा पानी डाल लीजिए उसमें। कॉर्नफ्लोर का 1 मिक्सचर चाहिए जिसमें हम पहले अपने नगेट्स की शेप देकर अपने पोटैटोज को कॉर्नफ्लोर के अंदर डिप करेंगे और उसके ऊपर फिर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे, उसको हम फिर उसके बाद फ्राई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पोटैटोज लीजिए। अब इस मिक्सचर को 1 नगेट की शेप दीजिए, थोड़ा गोल और थोड़े लंबी शेप में। अब इसको कॉर्नफ्लोर के अंदर डिप कीजिए। अच्छे से डिप करने के बाद अब इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा दीजिए। ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद थोड़ा इसको दोबारा रोल कीजिए ताकि ब्रेड क्रम्स इसके अंदर अच्छे से लग जाएं, ताकि वो फ्राई करने के टाइम पे निकले ना। इसी तरह से आप अपने सभी पोटैटो नगेट्स रेडी कर लीजिए। देखिए अभी हमारे नगेट्स रेडी हैं। अब हम इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि जब इसको फ्राई करें तो बहुत ही क्रिस्पी बने। याद रखिएगा अगर आप इसको फ्रिज में नहीं रखेंगे तो ये आपके उतने क्रिस्पी नहीं बनेंगे जितने आपको मार्केट में मिलने के बाद आते हैं, क्योंकि मार्केट में भी ये फ्रीज में रखे होते हैं और ये फ्रोजन होते हैं। तो चलिए इसको फ्रिज में रख देते हैं।